और पहला क्वेश्चन देख लीजिए इसी बात पे आज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब तो सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, इतना टॉपिक हमने ही समझ लिया है। बताइए एक बार, सही है नितिका, आंसर कीजिए फटाफट से। आप कह रहे हैं डी ऑप्शन, एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट, यानी हर एक बच्चा क्या है, विशिष्ट होता है, यूनिक होता है, इसका मतलब क्या है ये बताइए। यानी कि आप हर किसी को एक डंडे से नहीं हांक सकते, सारे बच्चे क्या हैं, यूनिक है अपने आप में, चाहे हम जेनेटिक मेकअप की बात करें, चाहे हम कोई भी, दो लोगों के फिंगरप्रिंट भी सेम नहीं होते ना, तो इसका मतलब क्या है यूनिकनेस का। तो पहला ऑप्शन है, अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स इज नॉट पॉसिबल, ये कहना गलत है कि करिकुलम जो है कॉमन पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता तो फिर हर बच्चे के लिए अलग करिकुलम बना दिया होता, तो उसी में थोड़ा तालमेल बिठा करके एक करिकुलम से हम कर सकते हैं डिस्कशन। इट इज इम्पॉसिबल टू डिवेलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन अ हिट्रोजेनस क्लास, हिट्रोजेनस और होमोजेनस, कल इंटर और इंट्रा इंडिविजुअल में आपको डाउट था, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। हिट्रोजेनस का मतलब है जहां अलग अलग एबिलिटी वाले, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हो, सकता है कोई टॉपर भी हो सकता है कोई स्लो लर्नर भी हो, तो ये मिक्सिंग वाली क्लास ठीक होती है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है इसके साथ काम कराना, तो ये बात भी गलत हो गई। फिर है, नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स, ये बात थोड़ी जच रही है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं में, अपनी रुचियों में और प्रतिभाओं में एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते। इसके बाद है डी ऑप्शन, लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज नॉर डू दे शेयर कॉमन गोल्स। देखो, यूनिकनेस का मतलब ये नहीं है कि बच्चों में या लर्नर्स में कोई भी कॉमन क्वालिटी नहीं होती, हो सकता है बहुत सारी कॉमन चीजें हो बट पूरी तरीके से कॉमन नहीं हो सकती, कुछ चीजें बिल्कुल अलग होंगी। दैट मीन्स कोई भी दो लर्नर्स एकदम समान नहीं हो सकते उनकी क्षमताओं में और उनकी रुचियों में और उनके टैलेंट्स में, पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते 100%, कुछ परसेंटेज कॉमन हो सकती हैं चीजें, हो सकता है मुझे भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, आपको भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, लेकिन सभी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो या मेरे और आपके इंटरेस्ट 100 के 100% मिलते हो, ये जरूरी नहीं है, फिर हम इंसान नहीं रहेंगे, रोबोट्स बन जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, कोई भी दो शिक्षार्थी पूर्णतः उनकी जो क्षमताएं हैं, रुचियां हैं, वो सेम नहीं हो सकती, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है बात, तो आंसर क्या हुआ आपका, सी ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तबीयत काफी हद तक ठीक है, थोड़ी बहुत समस्या, ब्लर नहीं है बिल्कुल भी, यहां से क्वालिटी एकदम बेस्ट है, मुझे लगता है बढ़िया रहती है क्वालिटी, आप लोग थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज कर लिया करो, यहां से क्वालिटी एकदम हाई डेफिनेशन रहती है। और बताओ, सेकेंड क्वेश्चन देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, ये बात हम जानते हैं कि जो मानव विकास है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके कुछ सिद्धांत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल यानी सिद्धांत नहीं है, नॉट पूछा है, बताइए आंसर क्या होगा फटाफट से। जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, बिल्कुल सही बात है, पहले बच्चा जनरल स्टेप्स करने शुरू करता है, वो रोएगा भी तो पूरी बॉडी से रोएगा, फिर धीरे धीरे वो सिर्फ आंसू टपका सकता है, या हम कह सकते हैं इसको दूसरा एक चीज हो सकती है कि पहले पूरी बॉडी से पकड़ने की कोशिश करेगा कोई चीज, अगर आप उसको दे भी रहे हैं तो कैच करते हुए, लेकिन बाद में वो क्या कर सकता है, सिर्फ दो फिंगर्स से भी उठा सकता है इस पेन को। दैट मीन्स जनरल से स्पेसिफिक की ओर जा रहा है विकास। रिवर्सिबल नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता आज मैं 18 साल की हूं कल मैं 12 की हो जाऊं, मॉडिफाई तो हो सकती है कुछ चीजें, मॉडिफिएबल तो है लेकिन रिवर्सिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कल आपकी समझ जितनी बढ़ गई थी उससे आज कम हो जाए, या फिर अगर आप चाइल्डहुड में थे तो कल आप इन्फेंसी में पहुंच जाएं, तो बैक गियर नहीं लग सकता, कॉन्टिन्यूटी होती है, बिल्कुल सही बात है, एक सीक्वेंस में चलेगा, एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथा, ये बात सही है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है, यानी कि इसको बैक गियर इसमें नहीं लग सकता, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ऑडियो ऑडियो वीडियो सब ठीक होना चाहिए यार, ये रोज रोज नई समस्याएं बताते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है कैसे, क्वालिटी तो एकदम मक्खन रहती है, ऐसा कैसे कह रहे हो आप, बताओ एक बार। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर, यानी आनुवांशिकता को किस प्रकार का एक सामाजिक संरचना कहा गया है ये बताइए, डायनेमिक, स्टैटिक, प्राइमरी या सेकेंडरी, ये परसों ही हमने डिस्कस किया था हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में, बताइए एक बार आंसर कीजिए फटाफट से बताइए। तो आप कह सकते हैं कि हेरिडिटी डायनेमिक है, क्या मेरे जीन्स चेंज हो सकते हैं,
नहीं है पॉसिबल भाई, ऐसा थोड़ी मेरी आंखों का रंग जो है पैदा तो नीला हुआ था और बाद में काला हो गया, अब कुछ सर्जरी करा ली हो, लेंस लगा ली हो, बात अलग है। लेकिन हेरिडिटी एक स्टैटिक फैक्टर है, यानी कि स्थिर है, फिक्स्ड है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन होता है तो बहुत जनरेशन के बाद, मतलब फिक्स्ड है। जिस हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपने जन्म लिया है उन्हीं के साथ आप खत्म होंगे एक तरीके से, ठीक। प्राइमरी है, मुख्य कहना गलत होगा, सेकेंडरी कहना गलत होगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहां बात होती किसकी, एनवायरमेंट की, देखो इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है, क्या बीमारी आई इसको आजकल, ये अपने ही मजे में चल रहा है, इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखो अगर यहां हेरिडिटी की जगह, अगर यहां हेरिडिटी की जगह लिखा होता क्या नेचर, तब भी बात सेम रहती। तो डायनेमिक क्या हो सकता है, एनवायरमेंट, पर्यावरण डायनेमिक हो सकता है। आज आप यूएस में रहते हैं, कल आप इंडिया आ सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। पर्यावरण या फिर नर्चर जिसको हम कह रहे हैं, ये पेन में आज कुछ दिक्कत हो गई है, नर्चर जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है बात। तो एनवायरमेंट डायनेमिक है और हेरिडिटी जो है वो एक स्टैटिक फैक्टर है, यानी फिक्स्ड है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Which of the following is a principle of development? यानी कि इनमें से कौन सा एक जो है वो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, बताइए। जी अनुराग सिंह, फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, इनमें से कौन सा एक डेवलपमेंट है। देखो कभी नॉट लगा होगा, कभी लीस्ट लगा होगा, कभी पूछेगा, तो क्वेश्चन पढ़ के समझना ही 50% आपकी समस्याओं का समाधान है। यदि पेडागॉजी में आप क्वेश्चन पढ़ के समझ गए तो सोच लीजिए कि आपका आंसर बहुत हद तक ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आंसर तो इन्हीं चार ऑप्शन में से कोई एक होगा, आपको बनाना तो है नहीं आंसर। तो अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल कौन सा है, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। इसको हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसके कारण हैं, ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं आपकी हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता और वातावरण के कारण, ठीक है बात। डिवेलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, यानी एक सीधी रेखा में जाएगा, सीधी रेखा नहीं हो सकती, कभी आगे कभी पीछे, कभी धीमा कभी तेज, तो स्टैटिक यानी लीनियर नहीं हो सकता, ये स्पाइरल होगा, आगे पीछे धीमा ज्यादा ये चलता रहेगा, इसी को हम स्पाइरल कहते हैं, ठीक। फिर है इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस होता है। ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ये कहना गलत होगा, कल भी हमने डिस्कस किया था, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड। यदि आपके सर में दर्द है तो आपका मन नहीं करेगा फिजिकल एक्टिविटी करने का भी, अगर आपको फिजिकली चोट लगी है तो आपका संज्ञान ठीक से काम नहीं करेगा, आपस में जुड़े हुए हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये चारों एस्पेक्ट डेवलपमेंट के इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है बात। यहां तक की कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं है ना कोई समस्या, ठीक है आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, पढ़िए क्वेश्चन एक बार, हल्का सा जूम इन करूंगी, पीसीएसई, बिल्कुल बिल्कुल जूम आउट करेंगे थोड़ा सा, मैं सामने आ जाती हूं बार बार क्वेश्चन के, ये थोड़ी सी एक समस्या है। देखो एक बार फोन को लेटा के देखना, ए कह रहे हैं आप लोग, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आर इंटेलिजेंस, मतलब हम बुद्धि के स्तर में अलग हैं, हम सभी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के स्तर में अलग हैं, हमारी रुचियां अलग अलग चीजों में हैं। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू, ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब क्या है, मतलब सबका बुद्धि का स्तर सेम नहीं है, हो सकता है कोई ज्यादा जल्दी से समझता हो चीजों को, किसी को देर लगती हो, मोटिवेशन का लेवल सबका सेम नहीं है, कुछ लोग ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, अलग अलग कारण है सबके, कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेशन की उनको ज्यादा कमी है, बोलते रहते ना कई लोग मोटिवेट कर दो। फिर है इंटरेस्ट, हो सकता है आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट ना हो, किसी और चीज में इंटरेस्ट हो, तो अलग अलग रुचियां हो सकती हैं। ये जो प्रिंसिपल है इसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल कहते हैं, यानी व्यक्तिक विभिन्नताओं का जो सिद्धांत है वो कहलाता है क्या, कि हम अपनी एबिलिटीज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इन सब में भिन्न है, कोई भी दो लोग सेम नहीं हो सकते, इसलिए हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब गलत हो गए, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है चलते हैं देखेंगे एक बार।
विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा एक जो है वो विकास का सिद्धांत है, बताइए, आंसर कीजिए जी। मिनी मोनिका, कल पोल देंगे आप लोगों को कि कौन सा बोर्ड रखें। विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि विकास का सिद्धांत है कौन सा, देखिए जरा। डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, सोल डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट, यानी सिर्फ एनवायरमेंट ही आपका पूरा एक कारण है, या फिर सी ऑप्शन जिसमें लिखा है डेवलपमेंट इज प्री डिटर्मिंड बाय रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। फिर है लास्ट ऑप्शन जो कहता है डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द पेस ऑफ ईच इंडिविजुअल चाइल्ड। सिंपल बात है, डेवलपमेंट सिर्फ एक्सपीरियंस सोल डिटर्मिनेंट नहीं है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस एनवायरमेंट के अंदर आएगा। डेवलपमेंट सिर्फ पनिशमेंट से नहीं होता डिसाइड, डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है हर बच्चे के बारे में, जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ बच्चों के बारे में ये कहा गया हो, जैसे कि बात कर रहे हैं हम एडिसन की, थॉमस एल्वा एडिसन की, तो उनको टीचर ने कह दिया तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ना लिखना, तुम जीवन में कुछ नहीं करोगे, क्या वो प्रिडिक्शन सही हुई, नहीं हुई, तो हर बच्चे के लिए एग्जैक्ट नहीं कर सकते आप, इसलिए आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्यूरेशन एंड एक्सपीरियंस, मैच्यूरेशन जो जेनेटिकली होता है और एक्सपीरियंस जो एनवायरमेंट की वजह से है, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों चीजों को जोड़ दिया गया है, मैच्यूरेशन हाईली रिलेटेड है आपकी हेरिडिटरी एबिलिटीज से। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, हिंदी में नॉट लिखा है तो गलत लिखा होगा, फिर नॉट पूछा है, अक्षय दुखी क्यों हो रहे हो, इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हो भाई, जरा जरा सी चीजों पे ऐसे कैसे जीवन चलेगा। सेवंथ क्वेश्चन कर लो फिर चलेंगे सिक्स्थ पे। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स दी, यानी कि सेंटर पार्ट से पेरिफेरीज, एक्सट्रीम्स भी कह देते हैं इसको, एक्सट्रीमिटीज भी लिखा हुआ है, देखो सेंटर पार्ट से बॉडी के बाहर तक जाने वाला डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, फटाफट से एक नंबर में ये हर बार पूछा जाता है घुमा फिरा के, आंसर आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमिटी सेंटर से बाहर की तरफ, समीपस्थ दूरस्थ विकास कहते हैं इसको, मध्य बाह्य विकास भी कह सकते हो, ठीक है। डिसेंट्रलाइज जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, कैस्केड हमने नहीं पढ़ा, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ठीक। अगर यहां वो होता सेफेलोकॉडल तब वो हेड टू टो लिखा होना चाहिए था, कई लोगों को हिंदी में यहां समस्या थी, पढ़ लेते हैं एक बार, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल, अच्छा इसमें नॉट नहीं लगा हुआ इंग्लिश वाली साइड में। डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्यूरेशन एंड एक्सपीरियंस, सही है, एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज डिटर्मिंड बाय रीइंफोर्समेंट, नहीं नहीं नहीं, डेवलपमेंट कैन नॉट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, नहीं है, देखो यार ये क्वेश्चन मैं एक बार चेक कर लूंगी, बाकी इसका आंसर हम ए के साथ जाएंगे, जहां तक इसमें नॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉट होगा तो फिर एक दो चीजें और भी निकल के आ सकती हैं, ठीक है, तो हम अभी इसको ए ही कंसिडर करके चलेंगे, बाकी मैं इसको रीचेक कर लूंगी और आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नॉट होता है तब तो सी के साथ चले जाएंगे, नॉट नहीं है तब हम ए के साथ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा करेक्ट अगर बाकी के तीन में से देखोगे तो फिर ए बचेगा, ठीक है, ये दोनों गलत नहीं है ये और ये, लेकिन पूरे तरीके से गलत सिर्फ सी मिलेगा, ठीक। तो एक बार मैं इसको चेक कर लूंगी कि इसमें नॉट है कि नहीं है, कभी इंग्लिश में गलत हो या हिंदी में गलत हो, ठीक। आगे बढ़ेंगे, एट्थ क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, दुखी मत हो जाया करो, जीवन में बड़ी समस्याएं भी हैं। देखो, अ टीचर फाउंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्रॉइंग अ स्क्वायर, यानी एक बच्चे को स्क्वायर को ड्रॉ करने में, स्क्वायर समझते हैं आप क्या बोलते हैं इसको, वृत्त बोलते हैं ना, नहीं वृत्त ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्क्वायर को हिंदी में, क्या बोलते थे भूल गई मैं, कोई बात नहीं, जो भी बोलते होंगे, खैर बहुत बढ़िया अमृता, आयत वर्ग बोलते हैं, एग्जैक्टली वर्ग बोलते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया शाबाश, वर्ग बोलते हैं। तो ये जो स्क्वायर है इसको ड्रॉ करने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, मतलब स्क्वायर भी नहीं बना पा रहा बच्चा, तो ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, टीचर ने अज्यूम किया है, ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि दैट दिस स्टूडेंट वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ डायमंड, डायमंड तो और मुश्किल होता है, वर्ग यानी कि जो आपका स्क्वायर है वो तो आसान है, जब वो आसान नहीं बना पा रहा तो डायमंड को बनाने में भी उसे प्रॉब्लम होगी, ऐसा एक टीचर ने अज्यूम कर लिया। ये किस आधार पे अज्यूम किया है, ये कौन से प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा ये बता दीजिए फटाफट से। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो ऑर्डरली सीक्वेंस,
डेवलपमेंट इज सॉल्टेटरी, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. सारी बातें सही है, बट यदि हम इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आसान से मुश्किल की तरफ जाता है ना बच्चा. ऐसा तो नहीं है मुश्किल से आसान की तरफ आता हो. तो क्या होगा यहां पे? सिंपल बात है, डेवलपमेंट एक सीक्वेंस फॉलो करता है, एक ऑर्डर फॉलो करता है. और यहां ये बात हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो ऑर्डरली सीक्वेंस. ऑर्डर में चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेगा एक तरीके से अगर हम देखें तो. तो ए ऑप्शन यहां सही होगा कि जब सिंपल सा स्क्वायर नहीं बना पा रहा तो डायमंड बनाने में निश्चित रूप से समस्या आएगी ही आएगी. ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट, यानी इनमें से कौन सा एक जो है डेवलपमेंट यानी विकास से संबंधित इशू है, परेशानी है, समस्या है, बताइए एक बार. जिसको दिख नहीं रहा पांच नंबर का चश्मा बनवाओ एक साथ. ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे. बात सही है, लेकिन क्वेश्चन भी तो देखो क्या पूछा है. यदि जो क्वेश्चन ने पूछा है वो आप नहीं बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. ऑप्शन तो चारों भी सही हो सकते हैं, चारों बातें स्टेटमेंट. जैसे वो नॉट वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक बात पूरे तरीके से गलत है, बाकी बातें सही है. लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? तो ए सही होगा. अगर नॉट पूछा होता तो सी हो जाता. तो ये जरूरी नहीं है कि बाकी ऑप्शन गलत ही होंगे. आपको देखना है आपसे पूछा क्या है. देखो एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट, यानी कि विकास से संबंधित एक समस्या, बताइए. हाँ वो मैं चेक कर लूंगी मेरी मोनिका. आंसर करो फटाफट से, नाइन्थ का बताओ. सिंपल बात है, नेचर नर्चर डिबेट है, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट की बात हो रही है, प्रकृति और पोषण की बात हो रही है, जिसको पालन लिख दिया गया है यहां. प्रकृति और पोषण विवाद कह सकते हो आप इसको, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का. ये कॉन्जेनिटल यहां नेचर से ही रिलेटेड है. ठीक है, सिर्फ दो ही कारण है मुख्य पूरे साइकोलॉजी में, वो है हेरिडिटी और एनवायरमेंट. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल डिफर फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं लोग, सारे एक जैसे क्यों नहीं हो जाते, रोबोट क्यों नहीं हो जाते, ये बताओ. अगेन नॉट का इशू, ये मैं देख ही लेती हूं, हो सकता है आज हमारे टाइपिस्ट महोदय से गलती हुई हो. सही तो है ये. अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट. हाँ तो सही तो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित नहीं है. एक बार ये मैं चेक करा लूंगी. देखो अगर इंग्लिश के साथ ही जाएंगे हम, फाइनल इंग्लिश को ही मानते हैं पेपर में भी, तो नेचर न्यूट्रिशनल ठीक है, स्कोलेस्टिक को स्कोलेस्टिक ठीक है, इशू नहीं है ना. लेकिन ये इसी के साथ जाएंगे अभी हम. ये दो क्वेश्चन, एक तो सिक्स क्वेश्चन था आई थिंक और ये नाइन्थ क्वेश्चन है. ये मैं एक बार चेक कर लूंगी, आप लोग भी चेक कर लेना इसको, फिर कल डिस्कस करेंगे आराम से. आज मैं काफी थकी हुई भी हूँ. देखिए एक बार, अनुपम यहां से क्लैरिटी बिल्कुल सही है, ज्यादा समस्या है तो आप पढ़ना जारी रखिए. देखो एक बार क्वेश्चन देखो, व्हाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों है, ये पूछा है ना. अब इसमें तो नॉट का इशू नहीं है ना, अब हिंदी में भी मुझे लग रहा है हर एक क्वेश्चन पढ़ना ही हुआ करेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है. बताइए एक बार, सी ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. सिंपल सी बात है, दो ही कारण है, एक ही कारण है मैं कहूं तो. डेवलपमेंट किसका इंटरप्ले है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का. इसी कारणवश दो लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाएगा, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड्स टीचर्स टू, यानी डेवलपमेंट का जो प्रोस्पेक्टिव है टीचिंग को लेकर के, वो टीचर के लिए क्या डिमांड रखेगा, ये बताइए फटाफट से बताओ. हाँ यार थकी हुई हूं मैंने, तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं. बताओ एक बार, स्वयं नाम ले लिया आपका. सब लोग लाइक क्यों नहीं करते, कहाँ बचा के ले जाओगे, ये तो पता नहीं. हनी सही कह रहे हो वैसे आप. अच्छा लाइक से याद आया, लाइक शेयर कर देना भाई, लाइक तो कर ही देना जिनको भी सेशन पसंद आता हो, है ना. 5800 लोग देख रहे हैं, 3800 लाइक है, कहाँ है 2000 लोग, क्या कहाँ सो जाते हो. देखो एक बार आंसर करो फटाफट से. क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव टीचिंग डिमांड्स टीचर्स टू, यानी अगर आप डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो टीचर को कैसा होना चाहिए. तो बी स्ट्रिक्ट, नहीं स्ट्रिक्ट होने से नहीं चलेगा. अडेप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर्स, सही बात है.
ट्रीट चिल्ड्रन इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस इन इक्विटेबल मैनर. ये नहीं हो सकता कि आप 7 साल के बच्चे को भी एक ही तरह से ट्रीट करें और 11 साल के भी. उसकी बुद्धि का स्तर अलग है, उसकी अडेप्ट करने का तरीका अलग होगा. प्रोवाइड लर्निंग दैट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ओनली द कॉग्निटिव डोमेन. ये बात भी गलत है कि सिर्फ उसी प्रकार का अधिगम आप उपलब्ध कराएं जिससे संज्ञानात्मक स्तर अच्छा हो, तो ये बात भी गलत है. आपको फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी है, सर्वांगीण विकास की. तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक को विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का पालन करना चाहिए. जैसे आप डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी, अपना तरीका चेंज करना है या प्लान करना है. ठीक हो गई बात, होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी. विनीता जी अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसका सिंपल सा एकमात्र मतलब है कि आपने फोन में आपके या तो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है या आपने क्वालिटी थोड़ी सी नीचे वाली चूज की हुई है. ऑप्शन आता है 1080p का, उसको चूज कर लीजिएगा सेटिंग्स में जाके. यहां ऑटो पे है तब भी मुझे दिख रहा है, 480p पे भी देख पा रही हूं मैं इवन. पता नहीं आप लोग किस पे देख रहे हो फिर, मतलब कैसे बिल्कुल लो ही कर लिए क्वालिटी. अच्छे से तो दिख रही है चीजें. खैर आ जाओ, देखो जिन्हें पढ़ना है ना वो देख भी लेंगे क्वेश्चन, वो आंसर भी कर देंगे. बाकी लोग शिकायतें ही करते रहते हैं आधे से ज्यादा, तो कैसे चलेगा ऐसे जीवन. देखो व्हाट इज मेंट बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी, यानी प्रकृति पोषण विवाद में नेचर का क्या मतलब है ये बता दीजिए फटाफट से बताओ. थोड़े अनकंफर्टेबल रह के भी पढ़ना सीख लो, पेपर में सारी सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं होगी. निशा कह रही है 240 पे भी साफ दिख रहा है. बताओ ये कौन लोग हैं जिनको क्लियर नहीं दिखता. नेचर क्या मतलब क्या है, एनवायरमेंट तो नहीं हो सकता. बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल गिव्स और दी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन मे बी. टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ये कहना भी गलत होगा, यहां वो वाले नेचर की बात नहीं हो रही है. कॉम्प्लेक्स फोर्सेज ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड ये कहना भी गलत होगा. नेचर का सिंपल मतलब है हेरिडिटी, और हेरिडिटी का मतलब है बायोलॉजिकल गिव्स, जो बायोलॉजिकली हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिली हैं, मिले हैं यानी जैविकीय विशेषताएं या फिर वंशानुक्रम के द्वारा जो हमें विशेषताएं प्राप्त हुई हैं उसको हम नेचर कहते हैं. और नर्चर मतलब पोषण, मतलब एनवायरमेंट. यहां नेचर का मतलब टेम्परामेंट नहीं है, इंग्लिश नहीं चल रही, बाल विकास है, साइकोलॉजी है, पेडागॉजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनेबल्स अ टीचर टू, यानी कि आपको समझ हो किसकी वृद्धि और विकास की, टीचर को इस चीज का फायदा कैसे होगा. यदि आप एक ऐसे शिक्षक हैं जिसको नॉलेज है वृद्धि और विकास यानी डेवलपमेंट की नॉलेज है, तो इस स्थिति में आप कौन से एक ऑप्शन के साथ जाएंगे. बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स, टेल स्टूडेंट्स हाउ दे कैन इंप्रूव देयर लाइव्स, प्रैक्टिस हर टीचिंग इन एन अनबायस्ड वे, या फिर गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशंस वाइल टीचिंग. भाई आपको डेवलपमेंट की स्टेजेस पता है, आपको पता है बच्चा किस स्टेज में कैसे अभिव्यक्त करेगा अपने आप को, क्या उसको समस्याएं आएंगी, क्या उसके पास एबिलिटीज होंगी, क्या उसके पास चैलेंजेस होंगे. तो अगर मैं बात करूं, अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो चाइल्ड डेवलपमेंट इसीलिए तो पढ़ रहे हैं आप, ताकि आप हर तरह के बच्चे को डील कर सकें, विभिन्न अधिगमकर्ताओं को डील कर सकें, यानी आप क्लियर हो सकें अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स, यानी अलग अलग तरह के बच्चों को पढ़ाने के बारे में आप क्या हो सकें, क्लियर हो सकें. जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है बच्चों में, वो आप समझ सकें कि सारे बच्चे एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे. कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को के एक सामने कुछ अलग चैलेंजेस आएंगे, कुछ इस स्टेज में आप इस तरीके से ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं. ये सब चीजें आपको पता लगेंगी. ऐसा नहीं है कि आप बता सकते हो बच्चों को कि अपनी इंप्रूव कैसे करनी है लाइफ, ये तो कोई भी बता ही देगा. बात है कि आपको पता है उनके बारे में कि नहीं. ठीक है, आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे उनकी स्टेज के अकॉर्डिंग यदि आपको डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स और ये सारी चीजें पता होंगी, ज्ञान होगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, यानी इनमें से कौन सा जो है वो हेरिडिटरी रिलेटेड फैक्टर है, यानी आनुवांशिकता से ज्यादा जुड़ा हुआ पक्ष है. देखो कुछ चीजें हेरिडिटी ज्यादा प्रभावित करती है, कुछ चीजें एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावित करता है. बताइए यहां हेरिडिटी से प्रभावित पक्ष कौन सा ज्यादा होगा, बताइए. देवलीना सही है, आंसर कीजिए फटाफट से. ये कुछ लोग सीरियस नहीं होते, उनके चक्कर में सेशन खराब होता है फिर. सही अनुराग सिंह, आंसर कीजिए. सिंपल बात है, हेरिडिटी से ज्यादा रिलेटेड है कलर ऑफ द आईज. आपका हेयर कलर और इवन टाइप भी
हेरिडिटी से ज्यादा रिलेटेड होगा, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर ये सब हेरिडिटी से ज्यादा रिलेटेड होगा। देखते हो ना आप जो लोगों के बाल झड़ जाते हैं बहुत सारा, तो उसमें बहुत बड़ा रीजन एक हेरिडेटरी फैक्टर्स भी है, दूसरा आपका न्यूट्रिशन भी है ऑब्वियसली, लेकिन हेरिडिटी भी है। ठीक, तो कलर ऑफ द आईज, ये सोशल एक्टिविटीज जो है ये एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होगा, थिंकिंग पैटर्न एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होगा। पैटर्न की बात हो रही है, एबिलिटी की बात नहीं हो रही है। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, ये जो जैसे आसपास लोगों में वो रहते हैं वैसा ही उनका एटीट्यूड होगा। तो बाकी तीनों एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित हैं, और जो आपका ये है कलर ऑफ द आईज, ये हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, बात क्वेश्चन नंबर 15 देखने का कष्ट करें, ये आज के लिए आखिरी सवाल है। Knowing about principles of growth and development is important for a teacher because देखो एक क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा जाता है कि यदि शिक्षक को पता हो विकास के सिद्धांत या विकास की स्टेजेस के बारे में तो वो किस तरीके से चीजों को संभाल पाएंगे, बताइए एक बार। बिल्कुल सही बात है ज्योति, आंसर कीजिए फटाफट से, जवाब दीजिए जवाब। 15th का सी कह रहे हैं कई लोग, यानी अगर आपको एक शिक्षक के रूप में प्रिंसिपल्स का, विकास के सिद्धांतों का ज्ञान है कि विकास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यूनिवर्सल है, ये है वो है, तो क्या होगा? दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू सेग्रीगेट द चिल्ड्रन। हमेशा याद रखिएगा, सेग्रीगेट करना काम नहीं है टीचर का, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे। गुड इंप्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ये बात सही है। दिस वुड मेक चाइल्ड डेवलपमेंट अ पॉपुलर कोर्स, बात कुल मिला के ये होनी चाहिए कि इससे क्या होगा, शिक्षक बच्चों को सही या जितने भी जरूरी अवसर होंगे सीखने के वो प्रदान कर पाएगा, उनको एक्सप्लोर करने का, यानी अन्वेषण का, एक्टिविटी का, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का, डिस्कवरी का, इन सब चीजों का उनको मौका मिल पाएगा, क्योंकि शिक्षक को पता है कि किस स्टेज में कौन सी एक चीज जरूरी है या विकास कैसे काम करता है, तो वो वैसे ही अवसर उनको सीखने के प्रदान करा पाएगा शिक्षक, यदि उसको ये सारी चीजें पहले से पता होंगी जैसा कि आपको पता है। तो ये एक बेसिक बात हुई, आज के लिए इतना ही। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए ये बता दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपका काम है, मेरा काम है ये अच्छे से डिस्कशन ही। और आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने ठीक कर पाए आप, वो आप कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा।